अंतर जनपदीय 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में चढ़ा पुलिस के हत्थे। थाना कोतवाली लोटन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तो भागने लगा। भागने के दौरान पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाश को पुलिस द्वारा अपने कस्टडी में लेते हुए जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार बदमाश जितेंद्र निषाद के ऊपर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। सात महराजगंज पुलिस द्वारा 25,000 इनाम घोषित कर रखा था, जिसे लोटन पुलिस एवं एसओजी टीम के संयुक्त रूप से गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 का नगद इनाम देने की एसपी विजय ढुल द्वारा देने की बात कही गई है। सिद्धार्थनगर से रविंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। बीती रात में थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत हमारे को एक संदिग्ध व्यक्ति के मूवमेंट की सूचना मिली। मुहर्रम त्यौहार के चलते हमारी स्थानीय पुलिस सजग थी, वो चेकिंग कर रही थी और स्वॉट टीम के साथ मिलकर जब उस संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर करने में उस व्यक्ति को पैर में गोली लगी, एक गनशॉट इंजरी उसको मिली है। उसको जब उससे पूछताछ की गई और उसका इंटरोगेशन किया गया तो पाया गया कि इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र निषाद है और इसके ऊपर थाना महाराजगंज जनपद गोरखपुर और देवरिया में कई सारे मुकदमे जिसमें लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, शांति भंग के मुकदमे इसके विरुद्ध पहले से पंजीकृत है और वर्तमान में यह थाना पनियरा जनपद महाराजगंज में मार्च के महीने में एक लूट हुई थी, उसमें वांछित भी चल रहा था और महाराजगंज पुलिस विभाग द्वारा इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके पर बरामद भी क्या हुआ? इसके साथ इसके पास से एक सीएमपी मिला जिसमें इसने पुलिस पार्टी पे फायर किया है और उससे ही इसने पुलिस पार्टी फायर किया और बरामदगी उससे इसकी हुई है और उसको बाद में फिर हम जो लीगल एक्शन है उसको हम कर रहे हैं। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम में कुछ आपकी तरफ से पूछताछ? जो टीम ने जिसने गिरफ्तार किया है आईजी रेंज महोदय द्वारा टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।